नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन। के आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग में होने जा रहे 27 मैच मदुरई पैंथर वर्सेस रुबिटिच वॉरियर। यहां बात करें दोनों ही टीम की, भाई देखो एक टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, एक टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। दोनों में से कोई सी एक मुकाबला लेकर के जाएगी, लेकिन लेकर के कौन सी टीम जाएगी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप लोग जानना चाहते कि भाई हर मैच से पहले जानना चाहते कि भाई कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, हमारे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट करिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कैसे बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू की, ये मुकाबला कब, कहां और कैसे होने वाला है। ये मुकाबला होने वाला है 24 जुलाई 2022 शाम को 3:15, मतलब दोपहर में 3:15 को होने वाला है। SCF क्रिकेट ग्राउंड में होएगा। और यहाँ पर अगर जो बात करें पिच की, भाई पिच रिपोर्ट पे देखो यहाँ पर ये जो है पिच अभी थोड़ी न्यू पिच है, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं गए। लेकिन अगर जो पिच की देखें भाई कितने मैचेस खेले जा चुके हैं, यहाँ पर 4 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 बार मैच पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है और 2 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। यानी कि दोनों में यहाँ पर 50-50 का रेशियो है। एवरेज इनिंग स्कोर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो है 116 का एवरेज इनिंग स्कोर है फर्स्ट बैटिंग का। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पर पिच है 120 तक के ज़्यादा रन खींच जाएंगे, ज़्यादा 130 तक, उससे ऊपर ही मुझे नहीं लगता कि जंप बार बात जाएगी। बात करें दोनों ही टीम की, भाई दोनों ही टीम का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। मदुरई पैंथर्स का देखो भाई, मदुरई पैंथर्स ने यहाँ पर 6 मुकाबले खेले, 6 में से 4 मुकाबले जीते, यानी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। वहीं बात करें रुबिटिच वॉरियर की, रुबिटिच वॉरियर ने यहाँ पर 6 मुकाबले खेले, 6 में से 2 मुकाबले जीते, यानी कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, थोड़े से कम मैचेस जीते हैं, इसलिए पॉइंट टेबल में भी काफ़ी नीचे हैं। और यहाँ पर उन्होंने मदुरई पैंथर्स ने थोड़े ज़्यादा मुकाबले जीते हैं, इसलिए पॉइंट टेबल में ऊपर है। और प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाल है तो मदुरई पैंथर्स की प्लेइंग 11 में है भाई के राजकुमार, अरुण कार्तिक, विघ्नेश अय्यर, NS चतुर्वेद, ऋतिक ईश्वरन, जगदेशन कौशिक, सन्नी संधु, आर चिलम्बरम, पी सरवन, किरण अक्षय, बी रोकी। अगर जो बात करें भाई मदुरई पैंथर की टीम की, भाई टीम में भाई कैसे बैट्समैन है, कैसे बॉलर्स है, देखो यहाँ पर मुझे जो पर्सनली लगता है मदुरई पैंथर्स के बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊँ, जो बैट्समैन है ना काफ़ी अच्छे रन दे करके जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो चूक करते हैं कहाँ पर हो जाते हैं भाई, बॉलर जो है ना थोड़े ज़्यादा रन दे देते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये 2-1 मुकाबले हार जाते हैं। इनकी यही कमजोर कड़ी है कि भाई बॉलर ज़्यादा रन ना दे। फिलहाल तो बॉलर्स अच्छी विकेट निकाल के दे रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बॉलर्स रन दे रहे हैं तो विकेट नहीं दे रहे, विकेट भी दे रहे हैं, रन भी दे रहे हैं, पर रन कम दें तो ज़्यादा फायदे में है। ओवरऑल भाई बैटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, सिंपल भाषा में कहना चाहूँगा। बात करें यहाँ पर दूसरी टीम रुबिटिच वॉरियर की, रुबिटिच वॉरियर में भाई 6 मुकाबले खेले, 6 में से 2 मुकाबले जीते। बात करें प्लेइंग 11 की, भाई प्लेयर्स कौन कौन है इनकी टीम में है, अमित सादिक, आदित्य गणेश, एन निरंजन, निधीश राजगोपाल, मोहम्मद आनंद खान, एम मथिवनन, अजय कृष्णा, संतोष शिव, पी शरवन कुमार, राहिल शाह एंड एम बोईमोजी। अगर जो बात करें भाई रुबिटिच वॉरियर की, देखो 6 मुकाबले खेले, 6 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही यहाँ पर खराब तो मैं कहूँगा नहीं और ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा, एक एवरेज लेवल पर, मतलब कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। अगर जो बल्लेबाज चल गए भाई गेंदबाजों ने खराब परफॉर्मेंस दे दी, तो कभी ऐसा होता है कि भाई दोनों ही खराब परफॉर्मेंस दे देते हैं, मतलब सिंपल भाषा में कहूँगा टीम को एक टीम बनकर कर खेलना पड़ेगा तब जा करके मुकाबला जीत पाएंगे। ओवरऑल थोड़ी सी बैटिंग एवरेज पे है, बॉलिंग भी एवरेज पे है, एक अच्छी टीम बन के खेलेंगे तो ये मुकाबला लेकर के जा पाएंगे। सिंपल भाषा में कहूँ भाई देखो प्लेइंग 11 के मामले में मदुरई पैंथर्स की प्लेइंग 11 बहुत तगड़ी है। अब जो बात करें यहाँ पर लास्ट 5 मुकाबलों की, भाई लास्ट 5 मुकाबलों में दोनों ही टीम ने क्या करा, देखो मदुरई पैंथर्स ने 5 मुकाबले खेले, 5 में से 3 मुकाबले अपने नाम करे, और रुबिटिच वॉरियर भाई 5 मुकाबले खेले, 5 में सिर्फ 1 मुकाबला अपने नाम करे। यानी कि फॉर्म की बात करें देखो फॉर्म में यहाँ पर मदुरई पैंथर्स अपनी अच्छी फॉर्म में चल रही है, इसलिए यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा विन परसेंटेज मदुरई पैंथर्स की ओर जा रहा है। लास्ट बात करके भाई लास्ट यहाँ पर क्या चीज रह रही है, वो रह रही है हेड टू हेड। हेड टू हेड के मामले में भाई देखो यहाँ पर पासा पलट चुका है, क्यों? क्योंकि भाई मदुरई पैंथर्स वर्सेस यहाँ पर रुबिटिच वॉरियर में 5 मुकाबले खेले गए हैं, 5 में से रुबिटिच वॉरियर ने भाई 3 मुकाबले अपने नाम करे हैं, मदुरई पैंथर ने सिर्फ 2 ही नाम करे। यानी कि हेड टू हेड के मामले में मदुरई पैंथर्स जो है पीछे हो चुकी है, रुबिटिच वॉरियर आ गया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात करें भाई, फाइनल रिजल्ट में कौन सी टीम यहाँ पर आगे नजर आ रही है, देखो मेरे हिसाब से जो है ये जो विन परसेंटेज बनती है, विन परसेंटेज होती है 45 और 55 की, वो क्यों यार, पर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है मदुरई पैंथर जो है 5% एक्स्ट्रा लेकर के बैठी है। क्यों यार, उनकी प्लेइंग 11 ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक टीम के हिसाब से खेलते हैं, अच्छी प्लेइंग 11 है, और यहाँ पर पिछले मुकाबलों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है उनका, मतलब अच्छे रन से साथ जीत रहे हैं, अच्छे विकेट्स ले रहे हैं। सो सिंपल इस वजह से मदुरई पैंथर्स का मुझे लगता है कि ये मुकाबला लेकर के जा सकती है। आप लोगों को लगता है भाई मदुरई पैंथर ये मुकाबला लेकर के जाएगी या रुबिटिच वॉरियर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जाने से पहले सभी से छोटी रिक्वेस्ट, हमें अपना भाई व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना मत भूलना, हर मैच की प्रिडिक्शन जानने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम, गुड बाय।